और इस बीच बड़ी खबर, राम मंदिर निर्माण की नई तस्वीर आई है सामने। चंपत राय ने जारी की है ये नई तस्वीर। देखिए, सोशल मीडिया पर ये तस्वीर शेयर की गई है। चंपत राय ने फोटो के साथ लिखा, श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य के कुछ छायाचित्र। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष चंपत राय जी की तरफ से ये तस्वीर साझा की गई है। देखिए, जो मेन स्ट्रक्चर है मंदिर का वो तैयार हो चुका है और अब लगभग हर हफ्ते नई तस्वीरें आ रही हैं और ये दर्शाती हैं कि कितनी तेजी के साथ में राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो रहा है। और खास बात ये भी है कि 2024 में राम मंदिर में विराजमान होंगे रामलला, इस बात का आह्वान बार बार हो रहा है। ऐसे में बहुत ही तेजी के साथ अब काम हो रहा है और चंपत राय द्वारा ये नई तस्वीर साझा की गई है जिसमें ये दर्शाने की कोशिश की जा रही है कि कितनी तेजी के साथ में मंदिर निर्माण कार्य पूरा हो रहा है। और देखिए, गर्भगृह की तस्वीरें आप देख रहे हैं लगातार, किस तरीके से वहां पर रामलला के विराजमान से पहले मंदिर की भव्यता देखते ही बनती है। और देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राम मंदिर का निर्माण 3 चरणों में हो रहा है और ऐसे में अलग अलग तारीख दे दी गई है किस तरीके से गर्भगृह का काम होगा, उसके बाद जो बाहर का स्ट्रक्चर है उसे किस तरीके से बनाया जा रहा है। ये तस्वीरें देखिए कितने अद्भुत हैं, क्योंकि लगातार कई सालों से इसका इंतजार किया गया था, फैसला है और फैसले के बाद लगातार इस पर जो काम है वो शुरू कर दिया गया। हालांकि कोरोना पीरियड में जो निर्माण कार्य है उसमें थोड़ी बहुत जो तेजी थी वो नहीं देखी गई थी, लेकिन इसके बाद हमने देखा किस तरीके से लगातार यहाँ पर जो निर्माण कार्य है वो लगातार हो रहा है। कई बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तमाम जो बड़े चेहरे वो यहाँ पर पहुंचे हैं इसका निरीक्षण करने के लिए। हालांकि चंपत राय ने पिछले हफ्ते ही कुछ तस्वीरें और भी शेयर की थी, लेकिन आज एक बार फिर से देखिए किस तरीके से एक नया स्वरूप देने का प्रयास, जिसमें आप धनुष बाण देख पा रहे होंगे। इसके अलावा और भी तमाम चीजें हैं जो आप नोटिस कर पा रहे होंगे, यानी कि जल्द से जल्द किस तरीके से राम मंदिर के निर्माण को पूरा करना है इसकी तैयारी लगातार बहुत पहले से सरकार कर चुकी है। और एक्सक्लूसिवली ये तस्वीर हम आपको फिलहाल दिखा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि मंदिर की जो भव्यता है वो वाकई देखते ही बनती है और गर्भगृह का निर्माण कार्य लगातार तेजी से आगे बढ़ रहा है। किस तरीके से यहाँ पर द्वार होगा, कहाँ पर रामलला विराजमान किए जाएंगे,